Assalamualaikum, welcome back to my channel. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे. तो जनाब, आज की जो वीडियो है वो है जी हेयर फॉल पे. हेयर फॉल एक ऐसा मसला है जो हर किसी को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है, और आजकल तो हर किसी को ही इस तरह का इशू है कि उसके बाल जो है वो बहुत ज्यादा गिर रहे हैं. वो इस वजह से कि ये वेदर भी कुछ इस तरह से है, इस मौसम में बाल जो है वो गिरते हैं. लेकिन अगर किसी के बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं तो वो ये रेमेडी जो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ इसको जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये मैंने ट्राई किया है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मुझे मिला है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अच्छा, यहां पर मैं ये बता दूं कि जो हेयर फॉल, जैसे कंघे में हेयर फॉल कंघा करते हैं आप तो बाल जो हैं वो आ जाते हैं, नहाने वक्त किसी के बाल जो हैं वो उतरते हैं, इस तरह के मसले में ये रेमेडी जो है ये आपके ऊपर 100% काम करेगी. लेकिन अगर इस तरह से आपके बाल गिरते हैं, जो आपको भी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये एलोपेशिया बीमारी है जिसकी वजह से ये इस तरह से हेयर फॉल जो होता है ये रेमेडी इस पे काम नहीं करेगी. इसलिए जिनको एलोपेशिया है वो इस रेमेडी को ट्राई ना करें, वो डॉक्टर से कंसल्ट करें. तो रेमेडी को स्टार्ट करते हैं जी. इस चीज के लिए, इस रेमेडी के लिए जो चीजें हमें चाहिए, सबसे पहले ये मेरे पास जो है ये कैस्टर ऑयल है, और ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगा, किसी भी लोकल शॉप से, मेडिकल स्टोर से आपको इजीली ये मिल जाता है. ये इसको पिया भी जाता है और इसको स्किन के और बालों के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है. तो आज हम हेयर फॉल के इस जो ट्रीटमेंट को हम बना रहे हैं उसके लिए हम इसका यूज करेंगे. तो इसके साथ जो है वो मेरे पास है जी ये प्याज. अगर व्हाइट प्याज मिलता है तो वो बहुत बेस्ट है हेयर फॉल के लिए, और अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप घर में जो रेगुलर प्याज आता है लाल वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां मैं यूज कर रही हूं एलोवेरा क्वारगंदल, तो ये भी आपने फ्रेश ही यूज करना है, आपने बाजार वाला नहीं करना. यहां पर मैंने कद्दूकस कर लिया है इसको, प्याज को आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर कद्दूकस किया है मैंने. उसको एक साइड पे रख दिया है क्योंकि प्याज को कद्दूकस करके जब थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो वो पानी छोड़ देता है, तो वो पानी ही हमें चाहिए. अब इस तरह से काट लेंगे हम एलोवेरा के लीफ को. इस रेमेडी में आप बाजार वाला एलोवेरा नहीं यूज कर सकते, आपने फ्रेश ही करना है. तो इसको काट लेंगे सेंटर से, इस तरह से काटूंगी मैं, और फिर जो है वो इसको, इसका जेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से इस लीफ से उतारूंगी मैं. अगर आप इसको कटिंग करते हैं, जेल को काट लेते हैं, तो फिर उसको ग्राइंड करना पड़ेगा आपको. आप चाहें तो वैसे करके एक पीस उतार के ग्राइंड कर लीजिए, लेकिन मैं इस तरह से नाइफ के साथ जो है वो इसको रब कर करके इसका जेल ही उतार रही हूँ यहां पर. एलोवेरा जो है उसका भी सबको पता है कि ये खाया भी जाता है और लगाया भी जाता है, बहुत सारी डिजीज में ये जो है वो यूज किया जाता है, और इसको स्किन के ऊपर भी बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है. ये एक ऐसा पौधा है जिसके बहुत ही फायदे हैं, खाने में भी, लगाने में भी, बालों के लिए भी, नेल्स के लिए भी. तो इसका इस्तेमाल जो है वो आपने इस रेमेडी में एज अ हेयर फॉल ट्रीटमेंट करना है, और इसलिए मैं कह रही हूं कि बाजार वाला आपने यूज नहीं करना, आपने फ्रेश वाला ही यूज करना है. यहां पर मेरे पास जो है वो तकरीबन जो है वो 2 चम्मच जेल जो है वो मैंने यहां पर निकालना है, और जो कि यहां पर निकल चुका है. यहां पर मैं आपको एक बात जो है वो पॉइंट जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूं. जो लोग एलोवेरा जेल फ्रेश वाले को मुंह पे यूज करते हैं वो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये येलो कलर जो आपको स्क्रीन पर अभी नजर आ रहा है बाउल में, ये एलोवेरा जेल का येलो पार्ट है जो कि हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. इसको हम स्किन पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो है इसको हटाना पड़ता है अगर आपने फ्रेश वाला एलोवेरा जेल फेस पे लगाना है. तो यहां पर जो है ये अब मैं कैस्टर ऑयल जो है उसका एक ढक्कन जो है यानी कि 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैं ऐड कर रही हूं. अब मेरे पास ये ऑयल है, ये वाटिका का है, और ये जो है इसमें लहसुन भी है, कैक्टस भी है, और इसमें ये ग्रीन आपको जो पुदीना सा नजर आ रहा है ये भी है. तो ये एक ऐसा ऑयल है जो आप बाजार से अगर परचेज करते हैं तो ये आपके हेयर फॉल को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है. अगर आप ये ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते तो आप ये ऑयल जो है ये वाला यूज कर सकते हैं. वाटिका के जितने भी ऑयल्स हैं मैंने ऑलमोस्ट सारे ही ट्राई किए हुए हैं, इनकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है. तो जिन लोगों को फ्रेग्रेंस जो है वो तेज सूट नहीं करती वो ये इस्तेमाल ना करें,
मुझे माइग्रेन है, इस वजह से मुझे जो स्ट्रॉन्ग वाली स्मेल है वो नहीं सूट करती, इस वजह से मैंने इसमें तेल मिक्स किए हुए हैं। तो मैं इसके कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो इसमें ऐड करूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप विटामिन ई ऑयल जो मिलता है, जो कि एवियन के नाम से मिलता है, अब वो भी इसमें एक कैप्सूल जो है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी घर में ऑयल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी है तो देसी घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अब इसको अच्छे से हमने पेस्ट बना लेना है। अगर आप इससे चम्मच से बना लें तो ठीक है, अगर आप नहीं बना सकते तो आप ग्राइंड कर लें इसको, लेकिन इसका एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो बनना चाहिए। प्याज का पानी जो है उसको भी अब अच्छे से छान कर मैं इसमें ऐड करूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो मैंने किया है, मेरे जो हस्बैंड है उनको हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था, तो उनको मैं ये ट्रीटमेंट पहले भी मैंने किया था, फिर दोबारा से मैंने स्टार्ट किया है, तो इसका मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। और अगर आप इसको ट्राई करते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है, और उन लोगों का शुक्रिया अदा कर लेते हैं इस पॉइंट पे जी, जिन्होंने किया है चैनल को सब्सक्राइब, और जिन्होंने नहीं किया वो काइंडली कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहां पर मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखा रही हूं। अब ब्रश के साथ आप हाथ के साथ लगा लें, लेकिन ये आपने जो है वो देख लेना है कि ये स्कैल्प पे जरूर लगे, ये स्कैल्प पे ही लगाना है हमने, और इसको फिर हमने लगा के अच्छे से मेक श्योर के सारे सर पे अच्छे से जो स्कैल्प है ना वो इससे एक दफा जो है वो वेट हो जाए, यानी कि सारी स्कैल्प पे अच्छे से लग जाए, और फिर आपने इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 30 मिनट्स के बाद आपने जो है वो बालों को शैम्पू ना करें तो बेहतर है, और अगर करना चाहते हैं, आपको कोई स्मेल आ रही है प्याज की, तो फिर आप शैम्पू कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिस दिन आप कोई भी ट्रीटमेंट, बालों का प्रोटीन हो या हेयर फॉल का हो या ये हो, कोई भी ट्रीटमेंट आप लेते हैं होम रेमेडी वाला, तो फिर उसको आप जो है उस दिन शैम्पू ना करें, उससे अगले दिन शैम्पू करें, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने फॉरन शैम्पू कर लिया था, वो उनको स्मेल आती है, अगर किसी और को भी स्मेल आती है तो वो भी जरूर जो है वो शैम्पू कर सकता है। यहां पर जी ये बाल वॉश करने के बाद क्या है, अभी बाल बिल्कुल ड्राई नहीं हुए, तो आप इनकी शाइन देख लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं मिलूंगी आपसे।